हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी बर्न। टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू पोएम आर्ट्स जेनिफर टाइगर, जिसके पोएट है एड्रिन रिच, जिनका जन्म यूएसए में हुआ था। इस पोएम की थीम है कंस्ट्रेंट्स ऑफ मैरिड लाइफ अ वुमेन एक्सपीरियंसेस। फर्स्ट स्टांजा में पोएट टाइगर को अपने पैनल पे बनाती है एक मूवमेंट करते हुए, और टाइगर का जो कलर है उसे ब्राइट टोपाज से कंपेयर करती है। टोपाज एक जेमस्टोन है जिसका कलर येलोइश होता है। फिर बताती है वो फॉरेस्ट का इनहेबिटेंट है, फॉरेस्ट का इनहेबिटेंट। टाइगर ब्रेव होता है, फियरलेस होता है, हंटर्स का प्राउड होता है, इसमें कॉन्फिडेंस भी होता है, कॉन्फिडेंट होता है, और वो स्मूथली मूव करता है। पोएट फर्स्ट स्टैंजा में टाइगर को एक मूवमेंट करते हुए अपने पैनल पर ड्रॉ करती है, और टाइगर के कलर को ब्राइट टोपाज से कंपेयर करती है, येलोइश बताती है। फिर वो बताती है कि टाइगर फॉरेस्ट का इनहेबिटेंट है और वो ब्रेवफुल है, और उसे हंटर्स का कोई डर नहीं, वो फेयरलेस है, और टाइगर अपने स्पीडली एकदम कॉन्फिडेंस से प्राउडफुली अपने मूव करता है, स्मूथली मूव करता है। सेकेंड स्टांजा में आर्म जेनिफर की जो फिंगर्स है वो फ्लटरिंग कर रहे हैं। फ्लटरिंग का मतलब वाइब्रेटिंग कर रहे हैं, ये डिनोट करता है कि वो वीक और कॉन्फिडेंस लेस है। क्योंकि उनके हाथों पे अंकल के वेडिंग बैंड का जो मैसिव बर्डन है, इसके कारण वो एक वेडिंग बैंड का बर्डन है, जिसके कारण वो आईवी मिडल को भी पुल नहीं कर सकते। उसने बताया कि आंख जब वो मर भी जाएगी, फिर भी उसके जो टेरिफाइड हैंड उस रिंग्स विद ओरिजिनल से बंधे हुए हुए, और वो जो रिंग्स वो उसके मैरिड लाइफ के स्ट्रगल को बताती है, जो अंकल से मास्टर थे। और आंख ने जो टाइगर बनाया था पैनल के ऊपर, वो proudly move, अभी भी proudly move करता है और fearlessly move करता है। थैंक यू।